अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूँ उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला। वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट रोक दी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ तकर्रुर पर वज़ीर आज़म की समरी इमरान खान का इम्तिहान है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, पीटीआई रहनुमाओं की ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड अदालत में जमा। वजारत दाखिला का कहना है कि इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में गलत बयानी की। आईएमएफ ने माशी इस्तेकाम के लिए इस्लाहत का अमल तेज़ करने का कह दिया। ईस्टर प्रेस का कहना था कि पाकिस्तान को माशी इस्तेकाम के लिए तेज़ी से इस्लाहत की ज़रूरत है। अफरात ज़रदहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अरशद शरीफ कत्ल केस, एफआईए ने लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब कर लिया। दो रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से तस्नीम हैदर को नोटिस जारी। तस्नीम हैदर को 29 नवंबर को तलब कर लिया। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी जाने वाली आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी की समरी को मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ऐवान सदर में कानूनी माहरीन के साथ इजलास किया और आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म की भेजी जाने वाली सिफारिश की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो गए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल होगी, जिसके बाद वजारत दिफा की जानिब से आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने और इन्हें आर्मी चीफ बनाने के फैसले की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने और उन्हें आर्मी चीफ बनाने के फैसले की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। आर्मी चीफ की तैनाती पर मशावरत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वजीर इत्तला मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला, शीरी रहमान, ओन चौधरी, चौधरी सालिक हुसैन, अमीनुल हक, शाह जैन बुगटी, मौलाना असद महमूद और रियाज पीरजादा शरीक हुए। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तला मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
इस बाबत समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी है। उधर ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट को समरी मौसूल हो गई है। सदर की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सदर आइन के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर दोनों तैनातियाँ करेंगे। वजीर दिफा का कहना था कि सदर मुमलिकत अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आइनी और कानूनी एडवाइस पर। बहैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाजात से महफूज रखना उनका फर्ज है। उन्होंने कहा कि कानून और आइन के मुताबिक तमाम मामला तय पाए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत कोई तनाजा नहीं खड़ा करेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने PTI रहनुमाओं की ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने PTI रहनुमाओं की ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वजारत दाखिला ने PTI रहनुमाओं के ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड जमा करा दिया। वजारत दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में गलत बयानी की। इमरान खान और PTI का पहले ही डी चौक जाने का मंसूबा था। वजारत दाखिला का अदालत में कहना था कि 24 मई को इमरान खान ने कौम के नाम खसूसी पैगाम जारी किया। 25 मई को डी चौक में हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी गई। रिपोर्ट में कहा कि फैसल जावेद, शीरी मजारी और मुनज़्ज़ा हसन ने भी डी चौक जाने के लिए ट्वीट्स की। PTI का कहना है कि असद उमर ने H9 ग्राउंड जाने की हिदायत दी, हकायक के बरक्स है। वजारत दाखिला ने बताया कि 25 मई की सुपहर इमरान खान ने अपनी दो तकरीर में डी चौक जाने के अजम का इजहार किया। इमरान खान की दोनों तकरीर PTI के ऑफिशियल अकाउंट पर लाइव चलाई गयी। वजारत दाखिला ने मजीद कहा कि इमरान खान और PTI ने जानबूझ कर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, इसलिए खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान का जवाब में कहना है कि अदालत ने हुकूमत को वकला की इमरान खान से मुलाकात का इंतजाम करने का हुक्म दिया। हुकूमत ने मुलाकात के अदालती फैसले की हुक्म अदूली की। जवाब में साबिक वजीर आजम की जानिब से कहा गया है कि सोशल मीडिया की तमाम सरगर्मियां दूसरी जगह से हो रही थी। इमरान खान ने नहीं कहा कि जैमर्स की वजह से कम्युनिकेशन नामुमकिन थी। अदालत उज़्मा में जमा कराए गए जवाब में ये भी कहा गया है कि वजीर आला KBK महमूद खान लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के साथ थे। उनके स्क्वाड के साथ मोबाइल फोन जैमर्स भी थे। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए माशी इस्तेकाम के लिए इस्लाहत का अमल तेज करने का कह दिया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए माशी इस्तेकाम के लिए इस्लाहत का अमल तेज करने का कह दिया है। अपने बयान में आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर प्रीज ने कहा कि IMF पाकिस्तान में मुस्तहकीन को ज्यादा मौसर तरीके से इमदाद देना चाहता है। तफसीलात के मुताबिक IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रीज रोइस ने कहा है कि पाकिस्तान को शदीद मौशी मसाइल का सामना है और अफरात ज़र दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। ईस्टर प्रीज ने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी तेजी से कमी आ रही है। पाकिस्तान मौशी इस्लाहात के अमल में तेजी लाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी इमदाद को पहली तरजीह बनाने की पॉलिसियों पर भी बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में मुस्तहकीन को ज्यादा मौसर तरीके से इमदाद देना चाहते हैं। ईस्टर प्रीज रोइस ने कहा कि मुतासरीन की जरूरियात को हदफ बनाकर इमदाद पहुंचाना होगी, लेकिन रिकवरी प्लान की बर वक्त तैयारी भी जरूरी है। उनका मजीद कहना था कि मुतासरीन की जरूरियात को टारगेट करके इमदाद पहुंचाना होगी। पाकिस्तानी हुक्काम से पॉलिसियों में तरजीहात पर बातचीत हो रही है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के मामले पर FIA ने लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब करते हुए और नोटिस जारी करते हुए 29 नवंबर को तलब कर लिया। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के मामले पर FIA ने लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब करते हुए नोटिस करते हुए 29 नवंबर को तलब कर लिया। नोटिस FIA की दो रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से जारी किया गया है। याद रहे तस्नीम हैदर ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक कुछ दिन पहले लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तस्नीम हैदर शाह ने दावा किया था
کہ عمران خان پر حملہ اور صحافی ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں ہوئی. نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں. مجھے میٹنگ کے لیے بلا کر بتایا گیا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے. تسنیم حیدر نے بتایا تھا کہ پہلی میٹنگ 8 جولائی، دوسری 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو ہوئی. مجھے کہا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے ارشد شریف اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے. ناصر بٹ نے نواز شریف سے میرا تعارف گجرات کے مضبوط شخص کے طور پر کرایا. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.